गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज रोशनी डेकाटे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सिक्स क्लास मैथमेटिक्स द चैप्टर नंबर 7 डेसिमल नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.3. इन द एक्सरसाइज 7.3 वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, and 4. आई एम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम, देन दिस प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व. ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व. सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से एक दो प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दूंगी और फिर आपको वैसे ही देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट, सो हम देखेंगे अभी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. राइट द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये देखना है 6/10. ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है और इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. सो हमने डेसिमल नंबर में पढ़ा था कि 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.1. सो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 की जगह क्या है, यहाँ पे 6 है, तो हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो हम इसको क्या लिखेंगे अभी, 0.6. दिस इज द सिंपल आंसर. तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 43 फ्रैक्शन में 100. तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, हम 1/100 को कैसे लिखते हैं, 1/100 को हम लिखते हैं 0.01, क्योंकि यहाँ पे 2.20 है, इसलिए हम पॉइंट के बाद 2 प्लेस दे देंगे. सो हम जैसे यहाँ पे सॉल्व किया है वैसे यहीं पे भी सॉल्व करेंगे. सो हमारा आंसर क्या होगा, 0.43, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, हमें 2 प्लेस देना है, इसलिए हमने 0.43 दिया. ओके स्टूडेंट, सो आपको ये समझ में आया. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 में से सी डी ई एफ जी एंड एच आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में से हम देखेंगे राइट द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल. ओके, सो हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में से ये दिया है 9 tails, 3 ones और 9 tails. तो हमें पता है 9 tails means यहाँ पे कितना tails place, 3 ones means यहाँ पे कितना ones place में आएगा और 9 tails means point के बाद आएगा. तो हम इसको लिखेंगे 9 tails means 9, 93.9. ओके स्टूडेंट, मतलब हमें अगर ये नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 9 tails means 9 tails ये होगा हमारा 9/10. तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.9. ओके, यहाँ पे 3 words means यहाँ पे सिंपल है, वंस के प्लेस में आ जाएगा और 9 tails मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, 93. हम इसकी एडिशन कर लेंगे तो क्या होगा, 93 और यहाँ पे क्या होगा, 93 + 0.9. सो हमारा आंसर क्या होगा, 93.9. दिस इज द आंसर. ओके स्टूडेंट, सो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका बी. बी को हम कैसे सॉल्व, क्या है हमें, टू वन्स, वन टेन एंड थ्री हंड्रेड. हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 ones means simply 2 है. ओके,
वन टेन, इसको बोलते हैं हम 1 टेन। तो ये हो गया हमारा 0.1 एंड 300s मींस क्या होगा इसका 3/100s मींस क्या होगा इसका 0.03। अब से 3 इन सब के एडिशन करेंगे तो क्या होगा हमारा 2.13। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सबको? अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको COD आपको घर में सॉल्व करना है। अभी हम देखेंगे कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। अभी क्या है हमारा 0.27 प्लस 9.95। अभी यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल नंबर की एडिशन करनी है। सो हमें देखना है कि डेसिमल प्लेसेस बराबर अपने डेसिमल नीचे ही आने चाहिए, मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए, तभी हम एडिशन हमारी बराबर आएंगे। तो मैंने लिखा 0.27 प्लस 9.95। सो हम इन दोनों की एडिशन करेंगे, 7 + 5 = 12 होता है। यहाँ पे कैरी 1, 9 + 1 = 10, 8 + 2 = 12 होता है। यहाँ पे भी कैरी 1, 9 + 1 = 8। तो हमारा आंसर कितना हो गया अभी 10.22। दिस इज द आंसर। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम बी 24.3 प्लस 8.78। स्टूडेंट, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करते समय हमें डेसिमल प्लेसेस ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि हमारे जो नंबर्स है वो डेसिमल प्लेसेस एक के नीचे एक आना चाहिए, तभी हमारी एडिशन बराबर होगी। ओके स्टूडेंट, सो आपको एक घर में सॉल्व करना है।